और दिक्कत तो इतनी है, रिलैक्स तो हो नहीं पा रहे। ये इतना परेशान कर रही है कि मतलब स्ट्रेस लें या क्या करें, घर जाने का मन अलग होता है कि छोड़ के सब कुछ चले जाएं, यहाँ पे मन तो लगता नहीं है। डेट ना आने से मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हाँ, उसी का तो प्रेशर है। अब देखिए डेट कब तक एंट्री है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करते हैं कुछ। बिल्कुल दिमाग खराब ही हो रखा है। क्या बोलना चाहोगे? सारे मिलके पागल बना रहे हैं। तो भाई एक तरफ तो जेई की डेट्स नहीं आ रही और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि फेक नोटिस भी जारी हो रहे हैं और बच्चे काफी दिनों से वेट कर रहे हैं कब हमारे एग्जाम्स होंगे, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आज हम कुछ बच्चों से बात करने जा रहे हैं। तो भाई ये बच्चे हैं, आप जेई की तैयारी कर रहे हो सब लोग? जी सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जेई की डेट्स नहीं आ रही तो उससे कितना फर्क पड़ रहा है? पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है दिमाग पे। और ये कभी कहते हैं जनवरी में होगा, कभी अप्रैल में, कभी कोई न्यूज़पेपर कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है। तो इससे हमारी पढ़ाई पे सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मतलब क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इससे बढ़ रहा है सिलेबस जल्दी करना है, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, कितनी गैप होगी फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में, ये प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, आप कौन सी कोचिंग में अभी? मैं तो मोशन में। अभी आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है? नहीं, अभी तो 70% अप्रोक्स हुआ है, बाकी मेजर पोर्शन अभी बचा है 12th का, 11th का ही हुआ है। डेट्स क्या सभी लोगों के हित में दें डेट्स तो ज़्यादा बेटर है। अगर 12th वालों का सोच के जनवरी में कराते हैं तो फिर ड्रॉपर के साथ तो इनजस्टिस होगी। ड्रॉपर को तो बिल्कुल टाइम है, उनका सिलेबस नहीं हो पा रहा है, ऊपर से डेट्स अगर दे दी तो और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो लेकिन अभी तो जेई वाला सॉरी एनटीए वाला अभी तो डेट्स ही नहीं निकाल रहा ना? हाँ, उसी का तो प्रेशर है। अब देखिए डेट्स कब तक एनटीए का, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करते हैं कुछ। बिल्कुल दिमाग खराब ही हो रखा है। क्या बोलना चाहोगे? सारे मिलके पागल बना रहे हैं। सारे कौन? एनटीए वाले, एनटीए वाले यही नहीं क्लियर कर रहे हैं जैप कराएगा पेपर या एनटीए कराएगा, वो कुछ भी कह रहे हैं। कभी कुछ न्यूज आ जाती है, कभी कुछ। प्रेशर हम लोग ड्रॉपर्स पे सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस कौन सी कोचिंग में अभी? फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला में जी। तो कोर्स वगैरह कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी तक तो बहुत पीछे है, मतलब हाफ पोर्शन समथिंग हुआ है। तो अभी मतलब और दिक्कत तो इतनी है, रिलैक्स तो हो नहीं पा रहे। ये इतना परेशान कर रही है कि मतलब स्ट्रेस लें या क्या करें, घर जाने का मन अलग होता है कि छोड़ के सब कुछ चले जाएं, यहाँ पे मन तो लगता नहीं है। तो कर रहे हैं, अब डेट आ जाए तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करके एग्जाम दे दें। नहीं तो डेट तो कभी भी आए, प्रिपरेशन तो हमारी तैयार ही नहीं। नहीं नहीं, प्रिपरेशन तैयार ही नहीं, उस चीज से रिलैक्सेशन तो हो जाएगी। अब रिलैक्सेशन नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? अब दिमाग पे प्रेशर तो रहेगा ना। तो मतलब एनटीए वाले क्या है? क्या बोले उन्हें? वो तो अपने आप में ज्यादा होशियार हो रहे हैं ना, क्या करें? हम बच्चों का नहीं सोच रहे, क्या करें? बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये उनको थोड़ी समझ आ रहा है अभी। तो पिछले का तो अभी कुछ नहीं पता, अभी तो हम लोग अपना तैयारी करें, अपना देखेंगे। और मैं 12th में हूँ, मेरा सिलेबस हो चुका है तो मेरा ज्यादा टेंशन है नहीं। मतलब वेट कर रहे हो आप लोग एग्जाम का? हाँ, जनवरी में हो जाए तो मेरे लिए फायदा रहेगा कि परसेंटाइल अच्छा बनेगा। और अगर फेयर करना है तब तो अप्रैल में करना चाहिए कि सारे बच्चे दें, कंपटीशन बढ़े ज्यादा। तो ऐसा है कि जब तो मतलब आपको भी डेट का इंतजार है? हाँ, वो तो सबको अभी पेपर तो देना ही है सबको। डेट ना आने से मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है और तैयारी करता हूँ तो बस यही टेंशन रहती है कि कब डेट आने वाली है। अभी दे नहीं रहा है तो जब तक जैसे डेट आगे आएंगी तो लड़के भी तैयारी कर रहे हैं, जो उनकी ज्यादा तैयारी होगी कंपटीशन ज्यादा होगा ही बढ़ेगा। कोर्स वगैरह कोचिंग ने कंप्लीट करवा दिया आपका? कोर्स 50% ज्यादा कंप्लीट हो चुका है और बोले हैं जनवरी तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है एनटीए की, जब भी करता है ऐसे, पिछले बार भी यही किया इसने, इस बार भी यही करना चाह रहा लग रहा है। लेकिन सही, अब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? कोई डेट नहीं आ रही, पर ज्यादा लेट भी ना करे पिछली बार की तरह, मतलब बोर्ड के तुरंत बात कर दे तो ज्यादा सही है, क्योंकि अभी ज्यादा जल्दी कर देगा तो फिर कोर्स मतलब फरवरी में खत्म होता है तो रिवीजन के एक तरह से प्रॉपर समय नहीं मिल पाता है, तो उससे दिक्कत होती है। तैयारी में तो पॉजिटिव इफेक्ट रहता है कि थोड़ा समय रहता है तो रिवीजन का प्रॉपर टाइम रहता है कि मतलब कवर कर लेंगे। लेकिन वो तो डेट पता चलेगी तब जाके टाइम का पता चलेगा ना, डेट्स नहीं आ रही ना मेन तो। नहीं, तब फोकस रहता ना कि हाँ पेपर देना है, समय पे नहीं ध्यान देना हमें। अच्छा। कि जो है तैयारी रहती कि हाँ तैयारी मतलब समय है पूरा, तैयारी करते चलो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब कोचिंग में कोर्स वगैरह कंप्लीट हो गया आपका? अभी नहीं, अभी है, चल रहा है, अभी कोर्स चल रहा है, फेब के एंड में खत्म होगा।